रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड की ओर से आरआरबी एनटीपीसी के पदों के लिए आवेदन करने वाले सभी अभ्यर्थियों के लिए बहुत बुरी खबर आई है। एनटीपीसी स्टेज वन एग्जाम कैंसिल हो चुके हैं जी हां दोस्तों, बोर्ड ने ऑफिशियल नोटिफिकेशन अपने ऑफिशियल वेबसाइट पर जारी कर दिया है। स्टेज वन परीक्षा को कैंसिल करा दिया गया है दोस्तों, बहुत बड़ी अपडेट आई है। दोस्तों अगर आप रेलवे की किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो तैयारी करने के लिए सबसे बेस्ट बुक अवेलेबल हो चुकी है, जिसकी लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, जहाँ से आप बुक को डाउनलोड कर सकते हैं। इस बुक में आपको प्रीवियस ईयर्स में जितने भी सवाल पूछे गए थे उनके 313 सेट्स मिल जाएंगे। दोस्तों बहुत बड़ी अपडेट आई है, जैसा कि आप देख सकते हो आरआरबी एनटीपीसी एग्जाम 2019 एनटीपीसी फर्स्ट स्टेज एग्जाम कैंसिल चेक द लेटेस्ट अपडेट दिया दोस्तों 17 अक्टूबर 2019 के लेटेस्ट अपडेट है। और दोस्तों इस अपडेट के अनुसार जैसा कि आप पढ़ सकते हो आरआरबी एनटीपीसी एग्जाम 2019 एनटीपीसी फर्स्ट स्टेज एग्जाम कैंसिल, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड आरआरबी हैज कैंसल्ड द फर्स्ट स्टेज एग्जामिनेशन फॉर द पोस्ट ऑफ आरआरबी एनटीपीसी एग्जाम दिया दोस्तों। एज पर ऑफिशियल नोटिफिकेशन के अनुसार आरआरबी एनटीपीसी के सीबीटी फर्स्ट एग्जाम कैंसल हो चुके हैं जी हां दोस्तों। यहां पर साफ साफ इसकी अनाउंसमेंट रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड द्वारा की गई है, जैसा कि आप पढ़ सकते हैं रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड हैज टू कंडक्ट द नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरीज एग्जाम बिटवीन जून एंड सितंबर 2019, लेकिन अब न्यू शेड्यूल जारी कर दिया जाएगा आरआरबी की ऑफिशियल वेबसाइट पर। अकॉर्डिंग टू द ऑफिशियल नोटिफिकेशन इट वाज इंडिकेटेड इन द एम्प्लॉयमेंट नोटिस दैट द फर्स्ट स्टेज कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम इज टेंटेटिवली शेड्यूल बिटवीन जून एंड सितंबर 2019, लेकिन अब इसमें देरी हो रही है। आरआरबी एनटीपीसी के सीबीटी फर्स्ट एग्जाम को पोस्टपोन करा दिया गया है। आरआरबी एनटीपीसी के 35,208 पदों के लिए करीबन 1,26,00,000 से भी ज्यादा अभ्यर्थियों ने आवेदन किया है। कंपटीशन काफी टफ है, जिसके लिए आपको बेहतर तैयारी करने की जरूरत है। इस वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि सभी तक जानकारी पहुंच सके। रेलवे भर्ती की पल पल की अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।